हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में ग्रुप सेकंड लेवल फर्स्ट के शेष क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह हमारे इस सीरीज की 9th नंबर वीडियो है। इससे पहले की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य केवल भारत स्किल क्वेश्चन बैंक हल मात्र न होकर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कंप्लीट रिवीजन कराना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें तथा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लीवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। लीवर के यांत्रिक लाभ को के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। रेजिस्टेंस फोर्स इज टू एफर्ट फोर्स, एफर्ट फोर्स इज टू रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस डिस्टेंस इज टू एफर्ट डिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स इज टू नॉर्मल फोर्स। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स इज टू एफर्ट फोर्स के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक क्या होता है या लीवर क्या होता है, तो उत्तोलक एक ऐसी दृढ़ छड़ है। क्या है, उत्तोलक एक ऐसी दृढ़ छड़ है जो किसी स्वतंत्र बिंदु के, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः, किसके परितः, स्थिर बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो पहली बात, लीवर क्या है, एक दृढ़ छड़ है जो स्थिर बिंदु के परितः चारों ओर घूम सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इस स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलंब कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, और लीवर में क्या होता है, इसके अतिरिक्त दो बिंदु और होते हैं जिसको, एक बिंदु को हम लोग लोड बोलते हैं या हिंदी में भार कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट को एफर्ट बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में आयास के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा लीवर है, ये इसका फलक्रम है। ठीक है, यहां पर इसका लोड है और यहां पर क्या है, इसका एफर्ट है। ठीक है, तो इस एफर्ट टू फलक्रम के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ठीक है, आयास और फलक्रम के बीच की दूरी को आयास भुजा या एफर्ट आर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आयास भुजा हो जाती है। ठीक है, ये लंबवत दूरी है, याद रखना है कैसी दूरी है, लंबवत दूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात किया जाए फलक्रम से लोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो आलंब, इसको क्या बोलते हैं, इसको भार भुजा के नाम से जानते हैं, लोड आर्म के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आलंब से प्रयास की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा, और इसी प्रकार से दूसरी भुजा को हम क्या बोलते हैं, भार भुजा कहते हैं। अब लीवर में क्या होता है, तो लीवर में हमेशा आपको एक निम्न सिद्धांत पर कार्य करेगा, क्या, आयास गुड़े आयास भुजा, आयास गुड़े आयास भुजा बराबर क्या होता है, लोड या भार गुड़े भार भुजा, भार गुड़े भार भुजा। उत्तोलक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तोलक के प्रकार की। तो उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सीधी छड़ वाले उत्तोलक जिसको हम स्ट्रेट लीवर कहते हैं। दूसरे हमारे कौन से उत्तोलक होते हैं, तो दूसरे उत्तोलक हमारे होते हैं, दूसरे उत्तोलक हमारे होते हैं मुड़ी हुई छड़ वाले उत्तोलक जिसको हम कर्व्ड लीवर भी कहते हैं। तो पहला टाइप हो गया स्ट्रेट लीवर और दूसरा टाइप हमारा हो गया कर्व्ड लीवर।
अब स्ट्रेट लीवर की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं स्ट्रेट लीवर में, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, यहां पर हमारा फलक्रम क्या होता है, एफर्ट और लोड के मिड में होता है। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में लोड एफर्ट और फलक्रम के क्या होता है, बीच में होता है। थर्ड ऑर्डर में एफर्ट लोड और फलक्रम के बीच में होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो कैची या क्ला हैमर जो है फर्स्ट ऑर्डर का उदाहरण है, क्या कैची या क्ला हैमर। देन सेकंड ऑर्डर की बात कर लें तो सेकंड ऑर्डर के द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता हो सकता है या नाव का डंडा हो सकता है, तो सरौता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देन थर्ड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चिमटा इसका उत्तम उदाहरण हो सकता है। तो ये थी हमारी लीवर उत्तोलक से संबंधित चर्चा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल विद वन साइड मेजरिंग 15 मीटर एंड इट्स डायगोनल 17 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लॉन। तो यहाँ पर एक लॉन है, जो लॉन हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर है, जिसकी एक साइड कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई। हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर में जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 15 मीटर है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाली साइड हमारी एक्स मीटर हो जाएगी। ठीक है, विकर्ण क्या दिया गया है, 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर, और आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, ये अगर हम नामकरण दे दें ए बी सी डी, तो जो ट्रेंगल ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर 17² = 15² + x² हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 17² - 15² आएगी, जिसको सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। देन एरिया की बात करते हैं तो एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 8, मल्टीप्लाई करने पर 120 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट्स, हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहलाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है कि किसी तरल में किसी स्थान पर आरोपित दाब द्रव के अंदर सभी ओर एक समान रूप से संचरित होता है। किसी तरल में किसी स्थान पर आरोपित दाब द्रव के अंदर सभी ओर एक समान रूप से संचरित होता है, जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है जेड के, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपको हाइड्रोस्टेटिक लॉ है। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रेशर की जो वैल्यू आ जाती है वो रो जी जेड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रो जी जेड। जो रो क्या है, तो रो है हमारा डेंसिटी ऑफ ब्लड, जी क्या है, ग्रेविटी है, और जेड क्या है, हाइट या डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो जेड क्या है, डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस, जी क्या है, ग्रेविटी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लड। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस इज, अगर रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस की बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, ई इक्वल्स टू 2 1+1/m। ठीक है, 2m होता है बीच में यहां पर, और e इक्वल्स टू क्या होता है, 3k 1 - 2/m। यहां पर हमें पता होना चाहिए
कि ई को क्या बोलते हैं, तो ई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। देन एन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, दृढ़ता गुणांक। एन के को क्या बोलते हैं, तो के को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। वन अपान एम क्या है, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। ये कौन सा क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का क्या है, अनुपात है। किसका अनुपात है, लेटरल स्ट्रेन अपान लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपान लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। यहां पर वन अपान ए को इस क्वेश्चन में सिग्मा से म्यू से डिनोट किया गया है, कहीं कहीं पर सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है, यहां पर म्यू से डिनोट किया जाता है, किया गया है। तो अगर बात करें तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री के वन माइनस टू म्यू, ठीक है। देन अगर यहां से के की वैल्यू निकालें तो के इक्वल टू आ जाएगा ई अपान थ्री वन माइनस टू म्यू। इस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेजिलेंस इज मेजर ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी, तन्यकता अवशोषित ऊर्जा का माप है। तो तन्यकता होती क्या है, तो तन्यकता एक एबिलिटी है, क्या कौन सी एबिलिटी है, तो रेजिलेंस इज द एबिलिटी ऑफ मैटर, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड, व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड इलास्टिकली, इलास्टिकली, ठीक है, एंड रिलीज द एनर्जी अपॉन अनलोडिंग, एंड रिलीज द एनर्जी अपॉन अनलोडिंग। तो ये हमारी किसकी परिभाषा है, ये रेजिलेंस की परिभाषा है। तो परिभाषा से हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये किस कब की माप है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो रेजिलेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड रिलीज द एनर्जी अपॉन अनलोडिंग। एक पॉइंट आपको और याद रखना जरूरी है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आपको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलेंस इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम एनर्जी, कौन सी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब, दैट कैन बी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 2 इक्वल्स टू 0.30103, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 56 इज। तो लॉग 2 इक्वल्स टू की अगर हम बात करें तो लॉग 2 इक्वल्स टू होता है 0.30103। यहां पर ये जो कुल नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको क्या बोलते हैं, मेंटिसा। ये मेंटिसा जो ये डेसिमल पार्ट्स है इसकी वैल्यू तो लॉग टेबल पर डिपेंड करती है, किस पर, इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से निकालते हैं, बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसकी वैल्यू हम डिजिट पे डिपेंड करते हैं। जैसे 2 लाख 2 की वैल्यू निकाल लो तो 2 के लिए 2 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 है, तो 1 से माइनस करो तो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 0 आ गई। सपोज करिए आपकी वैल्यू 2, 4 की निकालनी थी तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए 1 आ गया, 2, 4, 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गई, 1, 2, 3 डिजिट्स हो गई, 3 में से 1 माइनस कर दिया आपका कितना आ गया
टू, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करता है। अब हमें किसकी डिजिट निकालनी है, 2 to the power 56 में कितने डिजिट्स होंगे, तो 2 to the power 56 के डिजिट निकालने के लिए आप इसका लॉग ले लीजिए, तो लॉग 2 to the power 56 मीन्स आपका हो जाएगा 56 log 2 means 56 into log 2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.30103। इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 16.85768। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आई। इसका मीन्स क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट्स 16+1 यानी 17 होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीना डायोड वर्क्स इन, तो जीना डायोड हमेशा ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है, जबकि सिंपल डायोड नॉर्मल डायोड आपका एक्टिव रीजन में वर्क करता है, ठीक है, या फॉरवर्ड रीजन में आपका वर्क करता है। जीना डायोड ब्रेक डाउन रीजन में वर्क करता है। जीना डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, किसमें होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर में जीना डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड, तो वियर एंड टियर फ्रिक्शन के कारण टूट फूट होने वाली टूट फूट हुई अध्ययन को ट्राइबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइबायोलॉजी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या, बियर का साइंस ऑफ बियर, ये ट्राइबोलॉजी क्या है, तो ये आपका साइंस ऑफ बियर है, साइंस ऑफ बियर कमा फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, एंड इन कंपासेस नाउ इंटरेक्टिंग सरफेसेस एंड अदर ट्राइबो एलिमेंट्स बिहेव इन रिलेटिव मोशन इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें बियरिंग डिजाइन्स एंड लुब्रिकेशन भी आता है। तो अगर ट्राइबोलॉजी की बात करें तो ट्राइबोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ बियर फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन नाउ इंटरफेसिंग सर्फेसेस पर भी इंटरफेस कर रहा है एंड अदर ट्राइबो एलिमेंट्स बिहेव इन रिलेटिव मोशन इन नेचर एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, इसमें बियरिंग डिजाइन और लुब्रिकेशन का भी अध्ययन किया जाता है। तो द स्टडी ऑफ बियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हुक्स लॉ बियर्स ए रिलेशनशिप बिटवीन, हुक्स लॉ क्या कहलाता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर स्ट्रेस स्ट्रेन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। हमने क्या पढ़ा कि विद इन इलास्टिसिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहां से अगर इसको हटाते हैं तो एक प्लस टू आएगा, एक ई आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस इलास्टिसिटी, ठीक है। देन ये तीन प्रकार के होता है, कौन कौन सा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी गेट्स रिड्यूस्ड व्हेन, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी रिड्यूस्ड व्हेन इनलेट वाल्व क्लोजेज बिफोर बीडीसी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप सेकंड लेवल सेकंड के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व